हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ घी की सब्जी। बस लगी हूँ उसी में, तो घी को मैं ऐसे पिल आउट कर लूँगी, उसका छिलका निकालूँगी और उसके बाद जो है इसको काटूँगी। तो अब मैंने जो है छिलका निकाल लिया है, तो मैं बस चाकू की हेल्प से इसको जो है इस तरह काट रही हूँ। ऐसे जो है घिया काफ़ी जल्दी जो है कट जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। बस इसको जो है दोनों साइड से जो है काट के जो है इसकी फांके बना लेते हैं और बस इसको अब काटें तो एकदम जो है जल्दी जल्दी जो है हमारी सब्जी कट जाती है। आज मैंने आज कितनी शांति है ना। आज निज्जू नहीं सुनी है था निज्जू तो बेचारा चल कुछ नहीं एड्डा गया कर दा पर तो मैं कर लेता हूँ पर भाई ये आज का दिन बोल तो एक दो दिन हाँ ये क्या दो दिन बाद मेरी लगी है भी बुरी नहीं तो मैं बेड़ा बोल रहा थी ना जो हफ्ता एक दो दिन लाई आओ ना तुसे ब्रांगा कहने फेरी हफ्ता भर छाड़ने से वो घर आ हाँ तो मतलब छुट्टियां सो घर जाना पड़ा थी जो भी ये तो जाना नहीं है कत्ती रिवाज हाँ वो तो ऐसा जाना नहीं है बिहारी तैयारियां नहीं करनी तो इतने दिन अंदर से ही छुट्टियां होने दिन अंदर नौ दस तरीके भी छुट्टियां पांच दिन वाली। तो फ्रेंड्स, ये थी चली हुई हम दोनों मियाँ बीवी की डिस्कशन कि क्या करना है क्या नहीं करना है, छुट्टियों में कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और आज श्रीमान जी ने कहा चलो मैं ही बना देता हूँ खाना, आप रेस्ट कर लो। तो लगे हुए हैं श्रीमान जी आटा गूंदने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है हर एक काम में, तो जब तक ये गूंद रहे हैं आटा मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा व्यू बाहर का, क्योंकि ये प्राकृतिक नज़ारे जब तक देखे नहीं तब तक मन को तसल्ली नहीं मिलती। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी जो है थोड़ा सा व्यू शेयर कर लूँ कि बहुत सुंदर व्यू जो है बाहर है और आसमान में आज बादल भी नहीं है और धूप भी निकल आई है सुबह सुबह। और फ्रेंड्स, पतिदेव लग गए हैं रोटियां बनाने और साथ में कैसी चली है नोक झोंक। वो तो से सोचा है भाई आज से नहीं हो तो ना भूखे मरना है कुछ नहीं है एड़ा भी हो जाता चला तो होना ही सही। एक दिन तू से बनाया करें एक दिन आऊं बनाया करके बढ़िया नहीं हो जानी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कराती हूँ आपको अपनी बगिया की सैर कि मैंने कौन कौन सी जो हैं कैसे कैसे अपनी बगिया में पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो ज़्यादा वो तो गमले तो मैंने लगा नहीं रखे हैं, जो भी है मेरे पास वेस्ट बाल्टियाँ वगैरह हो जाती हैं बस उन्हीं में जो है मैंने ये प्लांट्स लगा रखे हैं। तो मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स में फूल भी खिल गए हैं, गेंदे के बड़े सुंदर सुंदर फूल जो हैं मेरी इस बगिया में खिले हुए हैं और बहुत सारे खिले हैं। और साथ ही साथ में जो है मैंने लगा रखे है यहाँ पे मनी प्लांट भी, और मनी प्लांट आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कितने बड़े बड़े पत्ते जो हैं इसके हो गए हैं। तो ये रहा मनी प्लांट, तो कितने बड़े पत्ते जो हैं इस मनी प्लांट के हो गए हैं, क्योंकि एक्चुअली ना ये जो मनी प्लांट की बेल है ना देखो दीवारों में चढ़ गई है और जिसके कारण जो है इन पत्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है ये। और नीचे जो है अभी ये छोटे छोटे मनी प्लांट हैं और ये जो है पत्थर खार है इसमें भी जो है फ्लावर आने लग गए हैं। तो इस तरह की ये प्लांट मैंने लगा रखा है और ये गुच्छा गुलाब है और ये फिर से अगेन गेंदा और एलोवेरा भी लगा रखा है और ये है गुलदाबरी। ये जो है सभी रंगों के लगा रखे हैं यहाँ पे वाइट येलो जामनी और ये है एलोवेरा की एक अलग ब्रीड जो यहाँ पे लगा रखी है इस सजावट के लिए है। और उसके बाद जो है ये भी पत्थर खार ही है लगा रखा और इस बार जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा रोज़ कलमें लगाई हुई थी तो इनमें भी जो है पत्ते आ गए हैं। और दिखाती हूँ जैसे ये है इनमें तो काफ़ी पत्ते या फ्लावर भी आने वाला है। तो ये और देख रहे हैं कि मैंने कांटे जैसे लगा रखे हैं क्योंकि नहीं तो गाय बैल खा जाते हैं ना, इसलिए जो है इनको ऐसे लगा के रखा है मैंने। तो गुलदाबरी भी साथ में पीछे है, ये जो है मेरी येलो कलर की है
और इस बार जो है मैंने चाय पत्ती का प्लांट यहाँ पर लगाया है इस ग्राफ्टिंग से, इसकी कलमें लगा रही हैं। आप देख रही हूँ कि कितनी ये सक्सेसफुल होती है। उसके बाद जो है मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूँगी यहाँ से गमले में। तो ये है चाय पत्ती और तुलसी वगैरह साथ में लगा रखी है मैंने। तो ये थी मेरी छोटी सी बगिया जिसमें अभी थोड़े थोड़े फूल जो हैं खिलना शुरू हो चुके हैं। और ये जो है पिंक कनेर जो है मैंने यहाँ पे लगा रखा हुआ है। तो ये है, काफ़ी बड़ा हो गया है आजकल। तो ये भी वैसे मैंने डब्बे में ही लगा रखा है। और फ्रेंड्स इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दें। और फ्रेंड्स ये लगा रखे हैं मैंने कपूर मंजरी, ये हिमाचल में बहुतायत में पाई जाती है जड़ी बूटी है। आंखों में अगर ये इन्फेक्शन हो और यदि आपकी आई साइट वीक हो तो कंटिन्यूस जो है इसको लगाएं। तो ये जो पानी पानी आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना पीछे, इसको आंखों में लगाते हैं काजल की तरह। तो इससे जो है सारे इन्फेक्शन वगैरह और आई साइट ठीक हो जाती है। और इसके बाद फ्रेंड्स ये हैं मिंट, ये मैंने मिंट लगा रखा। और ये है केली प्लांट, इसमें जो है येलो कलर के केली फ्लावर लगते हैं। तो इसके बाद ये जो है मैंने अमेरिकन ग्रास भी यहाँ पे अपने क्यारी में लगा रखी है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी बगिया, आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरी क्यारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अब लौट आई हूँ घर वापस, और आज सारा दिन जो है काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा बाहर भी, और थक गई हूँ थोड़ा सा, पी लूँगी पहले पानी वगैरह और उसके बाद जो है थोड़ा रेस्ट करने के बाद करती हूँ मैं आप लोगों के साथ बातचीत। और फ्रेंड्स आज स्कूल से आते आते मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से कुछ खास तो शॉपिंग नहीं किया, फिर भी जो मैंने शॉपिंग की है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये दो बड़ी बड़ी पुन्नियाँ, और साथ में जो है एक छोटी स्टील की पुन्नी, और जो है लाई हूँ वो लाई हूँ ये फ्लावर्स जो है ना मेरे पास रहे नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा अच्छा सा फ्लावर दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलो ले चलूँ देख लूँ कितना सुंदर जो है फ्लावर है, मुझे बहुत पसंद आ रहा था तो फिर मैं लेके आ गई ये वाला। तो ये जो है चार चीज़ें मैंने शॉपिंग की है आज, इतनी का ख़रीदारी की है जो कि बस और कुछ नहीं बस, और क्या बताऊँ आज ऐसे बैठी हूँ अकेली, बच्चे होते तो उनके साथ गप्पे सप्पे मारती, आज गप्पे मारने के लिए भी कोई नहीं है तो सोच रही हूँ आप लोगों से ही थोड़ी सी बात कर लूँ बस, इसीलिए जो है ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे होते तो बच्चों को दिखाती कि देखो मैंने क्या खरीद के लाया है, पर आज बच्चे नहीं है तो आप लोगों को ही दिखा रही हूँ कि देखो मैंने आज क्या क्या खरीद के लाया है, तो बस और कुछ भी नहीं। सो फ्रेंड्स ये थी थोड़ी सी चीज़ें जिनकी मैंने शॉपिंग की, आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी आप भी जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आपको ले चलती हूँ छत के ऊपर जहाँ से मैं आपको मौसम का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ से जा रही हूँ मैं थोड़ा गैलरी से होकर पौड़ियाँ चढ़कर स्लैब, और फ्रेंड्स पहुँच रही हूँ छत पर, और ये देखो पक्षी कैसे कतार में जा रहे हैं, और ये रहा मौसम का व्यू। दूर आसमान में आप देख सकते हैं कैसे जो है बादल छा चुके हैं, काफ़ी घने काले बादल लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात को जो है बारिश हो सकती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने पड़ोस में दादी जी से मिलने, काफ़ी दिनों से मुझे बुला रही थी कि आऊँ गप्पे सप्पे मारने के लिए, तो आज मैं इनसे मिलने के आई हूँ और हम यहाँ पर बैठ के जो है अपने पिछले दिनों को याद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करें, क्योंकि ये इनके साथ जो है मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है, लगभग 30-35 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो बस उन्हीं को और साथ में दादी जो हैं देश में फैले कोरोना वायरस के बारे में भी बता रहे हैं कि आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस एहतियात बरतेंगे तो ये कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। तो बस सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो आप लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं आपके साथ, तो तब तक के लिए बाय।